Thank you.
शरणं मिथ्याकारुणी कोसि निर्घृणतर सतत पत्र हस कुतो शमरव धूमित बोध जिनह पतो बह पश्यतु अद्य मार्गोत्सवे नाना दिग्देशात् गुणिनः आगतवन्तः। अधुना श्री हर्षदेवे अपूर्व वस्तुरचनालं कृतं विद्याधर जातक प्रतिबंधं नागानंदम नाम इति नाटकं नाटयितव्यम्। श्री हर्षो निपुणः कविः परिषद् केषां गुणग्राही लोके हारि च बोधिसत्वचरितं नाट्ये च दक्षावयं वस्तु केकैकमापिह वांछित फलप्राप्ते पदं किं पुनर्मद्भाग्योपचयादय संवेदः सर्वो गुणानां गणः। श्रीहर्ष निपुण कवि पारिषद वर्ग जो आए हैं वो भी गुणग्राहिणी है और बोधिसत्व चरितम नाट्य लोके मनोहारी है और नाट्य खेलने में हम कुशील पारंगत है। अगर ये चारों गुणों को एक जगह लाया जाए तो नाट्य अवश्य सफल रहेगा। बोधिसत्व है जिनके माथे पर, उनकी शंका कैसे जी? भगवान, बोधिसत्व तो त्याग का प्रतीक है। हाँ, जैसे हमारा नाटक का नायक जिमूत बाहर ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार अनेक मेघों में से जिमूत एक मेघ का नाम है, जो मेघ अधिक अंबोधर है, वारी वर्षण अधिक करता है, वो है जिमूत। कविकुल कालिदास ने इसी जिमूत मेघ से यक्ष द्वारा संदेश भिजवाए थे, अर्थात प्राणदान का एक नाम होता है जिमूत, तथापि प्राण प्रदान का अपर नाम होता है जिमूत वाहन। अच्छा, ऐसा है क्या? अवश्य, उनके बारे में कुछ और भी बताइए। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं
कि जिमुद्वाहन धैर्य साहस परोपकार धर्मनिष्ठा त्याग और दान की प्रतिमूर्ति है। जिमुद्वाहन का चरित्र हमारे मन को केवल प्रसादन ही नहीं देता, प्रत्युत हमारे मन को परिष्कार भी करता है। अपने क्षुद्र स्वार्थ को परमार्थ की वेदी पर अर्पित करने वाला जिमुद्वाहन का उदात्त चरित्र सर्वथा सराहनीय है। नागों के समस्या के विषय में जब भी उनको पता चला तो बेहिचक उन्होंने अपने आप को गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ऐसा? हाँ ऐसा। सोचने का विषय ये है कि मनुष्य उनके हानिकारक किसी भी वस्तु या प्राणी को पसंद नहीं करता। उनकी प्राण रक्षा तो दूर की बात, उनका प्राण हरण तक कर सकता है। हाँ। विषधर सर्पकुलों के विषय में भी मनुष्य का ऐसा ही अनुभव है। और सोचो, ऐसे सर्पों को बचाने के लिए जिमुद्वाहन हंसते हंसते अपना प्राण गरुड़ को दे। जिमुद्वाहन का पूर्व परिचय तो बताइए भगवान। अवश्य, तो सुनते हैं जिमुद्वाहन का पूर्व परिचय। युवराज होने पर जिमुद्वाहन ने अपने वो कल्पवृक्ष के विषय में सोचा। हमारे पूर्वजों ने इस कल्पवृक्ष से अपने क्षुद्र स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ लाभ नहीं उठाया। मैं इससे अपना मनोरथ पूरा करूंगा। भद्रे, मेरी मनोरथ पूरी करे। मैं इस समस्त संसार को दरिद्रता से मुक्त देखना चाहता हूं। कृपया मेरी मनोकामना पूरी करे भगवान। मैं आपको इस संसार को देता हूं। कहना ही था कि क्षण भर में ही के कारण जिमुद्वाहन का नाम त्रिभुवन ख्यात हो गया। पर अधिक धन सर्वदा हानिकारक होता है।
इस विषय में भी इसका व्यतिक्रम नहीं हुआ। जिमूतबाहर के कुलबंधुओं ने ईर्ष्या के कारण उनके ही विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी, पर जिमूतबाहर वो तो बोधिसत्व के अवतार पर्वत पर चले गए। फिर एक दिन मलयाचल की चोटी पर घूमने चले थे राज। मंदिर है ये पार्वती की, देखेंगे हम आज। करते प्रवेश ही मंदिर में सुना सुर झंकार, वीणा ध्वनि स्वर निवेश हुआ राग संचार। कौन है वो? कोई ऋषि कन्या, भक्ति भाव में कोई, हाथ में वीणा मन में भक्ति सुर सागर में कोई। जिसे देखते ही जिमूतबाहर का हृदय उस पर आकर्षित हो गया। वो कन्या भी जिमूतबाहर के प्रति आकर्षित हुई। जिमूतबाहर के पूछने पर उनकी एक सखी उनके कुल और वंश बताते हुए कही, मित्र वसु की बहन कहाँ थी? सिद्धराज पुत्री मलयवती। सिद्धराज विश्वावसु पुत्री मलयवती है ये। हाँ, सिद्धराज विश्वावसु ये जानकर बहुत प्रसन्न हुआ कि जिमूतबाहर मलयाचल पर्वत पर आकर रह रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र मित्र वसु को जिमूतबाहर के पिता के पास भेजकर अपनी कन्या दान करने का आशय बताया। और देखिए एक शुभ दिन भाई दोनों की विवाह कराए।
कुछ ही दिन बाद जिमुद्वाहन अपने शालक मित्रावसु के साथ समुद्र तट देखने गया। और क्या हुआ उस दिन आगे देखते हैं। कुमार शीघ्र करें, समुद्र में ज्वार आने का समय हो गया है। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही। ऊपर उठते हुए जलगजों के सुंडों के प्रहार से उत्पन्न पर्वतों के भीतरी भाग को गुंजाता तथा कानों के कर्दों को फाड़ता ये शब्द उठ रहा, इससे लगता है कि अनगिनत शंखों को साथ लिए ज्वार भाटा प्रायः आ ही रहा। हाँ सचमुच, देखो ना, रत्नों के चमक से प्रभासित समुद्र वेला की शोभा कितनी अच्छी। लवंग लता के पत्तों को खाए हुए जलगजों और मगरमच्छों के श्वास से सुगंधित सागर का जल भी कितना सुगंधित हो गया है। कुमार यहां तो पानी फैलेगा, तो हम लोग मलयागिरी की चोटी के पास वाली राह से होकर चलें। देखो तो, शरद ऋतु के कारण सफेद मेघों से घिरी हुई मलयगिरी की चोटियां हिमालय की शोभा धारण कर रही। नहीं कुमार, ये मलयगिरी की चोटियां नहीं है, ये तो
सांपों की हड्डियों का ढेर है। वासुकी ने कहा, क्या कहा कि पहले मुझे खा लो। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर और क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारे आक्रमण के भय से हजारों नाग पत्नियों का गर्भ असमय गिर जाता है और हजारों नाग शिशु मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। इससे तुम्हारा वह स्वार्थ भी तो जाता रहेगा जिसके लिए तुम नागलोक आया करते हो। अतः मैं स्वयं प्रतिदिन तुम्हें एक एक नाग भेजा करूंगा। कष्टमेव रक्षिता नागराजेन पनगा जिह्वा सहस्र दुतयस्य मध्ये नैकापि सा तस्य किमस्ति जिह्वा एका ही रक्षार्थं महिद्विषेद्य दत्तो मयात्मेति यया ब्रवीति। खेद है, नागराज ने नागों को इस तरह बचाया। क्या नागराज के इतने मुखों में से एक भी मुख ऐसा नहीं था जिससे वह कह सकता कि मैंने एक नाग की रक्षा के लिए खुद को गरुड़ को समर्पित कर। नहीं, ऐसा नहीं हुआ कुमार। गरुड़ ने नागराज वासुकी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गरुड़ जिन नागों को लाकर यहाँ खाया करते हैं उनके हड्डियों का ये हिमालय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे।
आश्चर्य, सर्वाशुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः शरीरकस्यापि कृते मूढ़ापापानि कुर्वते। मूत्र विष्ट आदि सभी अपवित्र वस्तुओं का घर कृतघ्न और विनाशवान है। इस शरीर के लिए मूर्ख जन पाप किया करते हैं। नागों के विपत्ति कभी समाप्त नहीं होने वाली। कितना अच्छा होता यदि अपने प्राण देकर एक नाग की रक्षा मैं कर सकता। मित्र वसु, मलयपति के पिता ने आपको आह्वान किया है, कृपया आ जाइए। कुमार, मैं जाता हूं, आप भी यहां से शीघ्र चलिए, यह स्थान निरापद नहीं है। मित्रावसु, मैं चोटी से उतर कर जरा समुद्र की शोभा देखूं, फिर जाता। किसी नारी का कातर विलाप, ये कौन है और किससे इसको डर है? Lord.
ऐसी विकलता से और कष्ट क्यों दे रही हो मुझे? देखा नहीं जिसने आज तक सूर्य किरण की ताप को, सुकुमार शरीर को तुम्हारे निकल जाएगा भगवान निष्करुण गरुण कैसे है? माँ बंद करो ये कातर विलाप, अब शोक से क्या लाभ? रुको रुको सारा एक पल को, देखू तुम्हें जी भर के। शंखचूर चलो, अंधी हो चुकी है ये पुत्र मोह में, है जो राजा की है आदेश निभाना ही होगा इसे कर्तव्य जान के। हाँ अवश्य ले आई हूं मैं इसे बद्धशिला पर, तो दे दो ये वृद्ध चिन्ह। यही वो स्त्री है, निश्चय ही ये इसका बेटा है, तो फिर ये रो क्यों रही है? तो क्या वासुकी ने मरने के लिए उत्सर्गित किया है? शंखचूर कहनी पड़ रही है मुझे तुम्हें ऐसी निष्ठुर बातें। विवश हूं मैं नागराज के आदेश के आगे। लाल कपड़े की इन जोड़े को चढ़ जाओ पहनकर वधशिला पर। कुमार करे धारण इन दोनों ब्रस्त को। अवश्य स्वीकार है मुझे स्वामी का है जो आदेश। आए बेटे प्राणों के लिए ये वज्र पादे मेरे लिए। हो गया है गरुड़ के आने का, चलो मैं शीघ्र यहां से। धीरज रखो माँ धीरज रखो। धीरज कैसे रखूं? अकेले बेटे हो तुम मेरे, सोचकर क्या वासुकी ने यही क्या भेजा है यहां तुम्हें? रहते हुए असंख्य प्राणियों के चुना है तुम्हें ही क्यों उन्होंने? अवश्य मैं ही हूँ अभागे। मैं ही हूँ अभागे। यदि अपने बंधुओं से त्याग गए इस मरणासन कातर को मैं नहीं बचाता, तो फिर मेरी इस विनाशील देह से क्या ही लाभ? अपने मन को कठोर करो मां। रक्षक है जो इस नागपुर के, वासुकी ने ही छोड़ दिया जा। कर सकता है कौन तुम्हारी उस गरुड़ से रक्षा? अवश्य ही मैं इसकी रक्षा कर सकता। माता डरो मत, मैं विद्याधर और यहां तुम्हारे बेटे की रक्षा के लिए आया। पुत्र चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। माता ये लाल वस्त्र मुझे दे दे, ताकि इसे ओढ़कर मैं तुम्हारे बेटे की जान बचा सकूं और अपनी देह गरुड़ को समर्पित कर सकूं। करना तो ऐसी बातें अब अशोक, शंखचूर और तुम में बोलो क्या है अंतर? अपनों ने ही छोड़ दिया जब मरने को इस तरह से, बस
अपनी जान को। अहो, कितना महान है चरित्र इस महात्मा का, संसार से बिल्कुल विपरीत। विश्वामित्र समांशम सपचैव पुरवक्षयदियन्निमितम् नारी जंगुनि जगने कृततत् उपकृतिर्युत्कृते गौतमेन पुत्रोयम् तश्यपस्स प्रतिदिनमुरगानत्ति तारक्षो यदर्थम् प्राणस्तानेश कृपेय परार्थम् ददाति। महात्मन, आपने अपने आप को समर्पित करने की चेष्टा से मुझ पर सच्ची कृपा दिखलाई है, परंतु इस पे और अधिक आग्रह ना करे। मुझ जैसे तुच्छ जीव तो हर रोज जीते हैं मरते रहते हैं, परंतु आपके जैसे परोपकार में तत्पर गुणी व्यक्तियों का जन्म कहाँ होता है। वो ही चला समय अब गरुड़ के आने का, चढ़ जाता हूं मैं बद्ध भूमि पर, करके स्मरण गोकर्ण का। भेजे हैं इनके पास। आज जिमुद्वाहन और मलयवती का विवाह का दशम दिवस है। पति और पत्नी को लाल वस्त्र धारण करना ये दोनों परिवारों की रीति है, तो ये वस्त्र आया है अब जिमुद्वाहन के पास। जिमुद्वाहन ये वस्त्र लेके क्या करेगा, आइए देखते हैं। दूसरों के उपकार हेतु अपने प्राण देने वाले मुझ स्वयं को आज बड़ा आनंद हो रहा है। Somebody
तृप्तिं न पश्यामि तवापि तावत् किं भक्षणात् त्वं विरतो गरोत् मनः। नटी, जिमूद्वाहन का वाक्य सुनकर हतचकित बन गए गरुड़। बोल उठे, आश्चर्यम् आश्चर्यम् कथमस्याम् अपि अवस्थायम् वोर्जितम् अभिधत्ते अहो महासत्वा। मैंने तो अपने चंचू से तुम्हारे शरीर से शोणित निकाला है, पर तुमने तो अपने धैर्य से मेरा हृदय ही निकाल दिया। ये सुनकर शंखचूर आए और शंखचूर बोले, आस्तम स्वस्तिकलक्षम वक्षसी तनैनालोक्यते कंचुकः जिह्वे जलपत एवमेन गणिते नामत्वया द्वे अपि आतिस्रा तीव्र विषाग्नि धूम पटला व्याजन्य रत्नात्विशो नैता दुस्सह शोक शुत्कृत मरुत्स्फीतः पणाया पक्ष्यसी। खड़ूर ने बोले, ये तो तुम्हारे दोनों का वध्य चिन्ह एक लाल ही वस्त्र है, मैं कैसे जानूं कौन नाग है, तो फिर मैंने किसे मार दिया। विद्याधर वंश तिलको जीमुतवाहन विद्याधर वंश तिलक जीमुतवाहन विद्याधर वंश तिलक मैंने बोधिसत्व को ये मैंने क्या किया क्या किया मैंने अज्ञान निद्र क्वचिद् द्वीपाकारः कुलीन विपुलैर्भोगनिवाहै कृतावर्त प्रान्तिर्वलयित शरीर क्वचिदपि व्रजन् कूलात् कूलम् क्वचिदपि च सेतु प्रतिसमाः समाजो नागानां विहरतु महोदन्वति सुखम् महोदन्वति Thank you.
पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य मादाय पूर्णमेवावशिष्यते।